हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट। बच्चों, आप लोगों के एग्जामिनेशन डेट तो आई चुकी है, 12th ऑफ सितंबर, सभी को बताया ही है। और आज इसका फॉर्म भी आ गया, फॉर्म फिल हो रहा है 13th ऑफ जुलाई, और लास्ट सबमिशन डेट जो है ये 6th ऑफ अगस्त 2021 अप टू 11:50 PM, और फीस सबमिशन के लिए 7th ऑफ अगस्त 2021। तो 24 आवर्स आपको ज्यादा दिए जा रहे हैं फीस सबमिशन के लिए, ना कि फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट जो है ये 6th ऑफ अगस्त ही है, इसको आप लोग ध्यान से फिल करिएगा। 6th की जगह 7th तक वेट मत करते रहिए, 6th से लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन के लिए। और फीस जो है जनरल के लिए 1500, और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 1400, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी अर्थात जेंडर के लिए 800। और इसके अलावा जो करेक्शंस होंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, वो 8th ऑफ अगस्त से 12th ऑफ अगस्त के बीच में। और अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 20th अगस्त, और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, ये आपका 3 दिन पहले एग्जामिनेशन से स्टार्ट होगा, 3 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन डेट। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेंटर डेट, शिफ्ट ऑफ नीट, ये सारे इंफॉर्मेशन ये एडमिट कार्ड पर डिस्प्ले होंगी। टाइम 2 से 5, और ये 3 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा इसका सबमिशन मोड जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड है, पोस्ट मत करिएगा इसको। जैसा कि पिछली बार कुछ लोगों ने गलती की थी, एनटीए के एड्रेस पे पोस्ट किया था, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और ओनली वन एप्लीकेशन इज टू सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट, सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये आपका खुद का होना चाहिए या पेरेंट्स का या गार्जियंस का, जो परमानेंट हो, चेंज नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि आरएनटीए जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह देगा इसी रजिस्टर्ड ईमेल पर देगा, मेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू ये शेयर किया जाएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो एग्जामिनेशन स्कीम को लेकर के, एग्जामिनेशन स्कीम सिलेबस ऑफ द टेस्ट, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर ये रिड्यूस्ड और बाकी इन्फॉर्मेशन है डिलीटेड सिलेबस के बारे में, बट ये अभी डाउन है। जैसे ही ये काम करेगी वैसे ही हम इसका सेपरेट वीडियो बना करके आपको उसके बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। बाकी पैटर्न ऑफ द टेस्ट जो है, इसमें हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी विल बी हैविंग 2 सेक्शन, सेक्शन ए 35 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी ऑफ 15 क्वेश्चन, और 15 में से आपको 10 करने होंगे। यानी टोटल हर सब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 45, 45 और 45, इसका मतलब टोटल 180 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको चॉइस मिलेगी हर सब्जेक्ट में, 5 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल होंगे, और एमसीक्यूज इसका पैटर्न होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और बाकी का इन्फॉर्मेशन वही है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, निगेटिव मार्क्स फॉर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर निगेटिव, एंड अनदर इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू शेयर इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी जो है ये आपकी 17 ईयर्स एज कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक, और जो अपर एज लिमिट है ये 25 ईयर्स विद अ रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एस सी एस टी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। बट ये केसेस पेंडिंग है, पहले हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था, तो अभी ये डिसीजन पेंडिंग है। तो अभी के लिए ये 25 ईयर्स से ज्यादा वालों को भी प्रोविजनली परमिटेड हैं टू अपीयर एंड देयर कैंडिडेचर इज सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ पेंडिंग। तो 25 ईयर्स से प्लस वाले भी अभी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या
किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल कैटेगरी या पी डब्ल्यू डी डी कैटेगरी. सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन आई हैड फॉर यू. बच्चों उम्मीद है आप फॉर्म फिल करते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.